जी हाँ ये अपने पंजाबी में पढ़ा है इंग्लिश में नहीं पढ़ा समझ आपको पंजाबी में आया कि इंग्लिश में दोनों में एक आदमी साइकिल से अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस के अंदर जो पहुंचने का उसका है टाइम साइकिल चलाता है आठ घंटे आठ किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर की स्पीड से तो ग्यारह बजे ऑफिस पहुंचता है घर से निकला और 11 बजे ऑफिस पहुंच गया अब उसने सोचा भाई लेट हो गया मैं तो जाते ही बॉस ने बोल दिया कि तू तो लेट आया है तो कल जल्दी आऊंगा फिर जल्दी आया है आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस तो घर से ऑफिस का सेम है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी साइकिल की अगले दिन उसने स्पीड बढ़ा दी 12 किलोमीटर पर आवर की 8 से 12 कर दी तो आठ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था तो पहुँचा ग्यारह बजे और अगले दिन उसने स्पीड बढ़ा दी कि लेट पहुँच के तनख्वाह क्यों कटवाऊँ लेट पहुँचते तो तनख्वाह कटती है फिर वो पहुँच गया नौ बजे और जैसे ही देखा बॉस ने नौ बजे आया है ऑफ़िस खुलने का टाइम तो दस बजे है आके जो है लाइट जलाएगा पंखा चलाएगा एसी चलाएगा फालतू का खर्चा बढ़ाएगा तो बॉस ने बोला नौ बजे भी नहीं आना है जल्दी भी नहीं आना है लेट भी नहीं आना है दस बजे आना है तो अगर आपको दस बजे ऑफिस पहुंचना है तो कितनी स्पीड से साइकिल चलानी पड़ेगी ये बताना है सवाल समझ आ गया अब ये देखो क्या देखोगे हैं डिस्टेंस क्या है ये नहीं पता दोनों के पहुंचने का टाइम सेम अलग अलग है अगर वो स्पीड में डिफरेंस देखा जाए स्पीड में डिफरेंस चार किलोमीटर पर आवर का है और टाइम में डिफरेंस दो घंटे का है स्पीड का चार किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है टाइम का दो घंटे का फर्क पड़ रहा है तो इसके रेशियो बनाओ क्या बन जाएगा स्पीड का रेशियो बनाओ पहले आठ की स्पीड से चलता है फिर बारह की स्पीड से चलता है ये स्पीड का रेशियो हो गया ये पहले दिन का और ये दूसरे दिन का और स्पीड का इसको जो है काट के पहले छोटा कर लो कितना बन जाएगा ये चार पे कट जाएगा चार दूनी आठ और चार तीन बारह यही है स्पीड का रेशियो इसको पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा इसको पलट दो आठ की स्पीड से जा रहा है तो तीन घंटे में पहुंचेगा बारह की स्पीड से जा रहा है तो दो घंटे में पहुंचेगा टाइम का रेशियो आ गया यहाँ पे दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है दो घंटे और रेशियो के हिसाब से टाइम का डिफरेंस कितना आया है एक।, तो एक बराबर है दो, इस दो से इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा गुणा दो कर दोगे इसको तो चार और दो से इसको गुणा करोगे तो छो यानी अगर वो आठ की स्पीड से चलता है तो छः घंटे में पहुंचता है और अगर बारह की स्पीड से चलता है तो चार घंटे में पहुंचता है ये बात समझ आ गई अब उसको कितनी स्पीड से चलाना चाहिए कि दस बजे पहुंच जाए यहाँ पे देखो ग्यारह बजे पहुंच रहा है तो इसका मतलब ग्यारह वाला ये आठ वाला है ना छह घंटे लगते हैं ग्यारह बजे पहुंचने के लिए उसको छ घंटे लगते हैं छ घंटे में ग्यारह बजे पहुंचा है और अगर दस बजे पहुंचना तो है तो घंटे लगाने हैं उसको पांच है ना ये बात समझ आ गई अगर ग्यारह बजे पहुंचेगा तो छह घंटे लगेंगे ना ये छे कहां से आया यहां से आया अगर दस बजे पहुंचना है तो उसको घंटे तो पांच लगाने हैं घर से डिस्टेंस सेम है घर से उसका चलने का टाइम भी सेम है ये नहीं किया जल्दी चल लिया लेट चल लिया, उसने स्पीड में वेरिएशन करी है अपने चलने के टाइम में वेरिएशन नहीं की आवाज आ रही है इधर। घर से निकलना कि जल्दी निकल लिया वो नहीं किया लेट निकला वो नहीं किया उसने अपनी स्पीड में चेंजेस किए हैं अब यानी स्पीड में चेंज करके उसको पांच घंटे लगेंगे दस बजे पहुंचने में और पांच घंटे लगेंगे दस बजे पहुंचने में तो पहले तो यहां पे निकाल लो क्या डिस्टेंस डिस्टेंस कितना आ जाएगा है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम और डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इधर जाके गुणा गुना हो जाता है स्पीड आठ है घंटे छ हैं स्पीड आठ है घंटे छ हैं तो दोनों को गुना कर देंगे तो डिस्टेंस अड़तालीस आ गया यानी घर से अड़तालीस किलोमीटर दूर है अगर स्पीड इस डिस्टेंस इससे निकाल लोगे तो अलग आएगा बारह की स्पीड है चार घंटे में पहुंच रहा है तो बारह चौक अड़तालीस डिस्टेंस दोनों में बराबर ही आया ना बात समझ गई अड़तालीस किलोमीटर चलना है अड़तालीस किलोमीटर चलना है पाँच घंटे में चलना है ये पाँच घंटे क्यों आया क्योंकि दस बजे पहुंचना है उसको डिस्टेंस अड़तालीस घंटे पाँच तो स्पीड कितनी करनी पड़ेगी स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम डिस्टेंस 48 किलोमीटर जाना है पाँच घंटे में ले जाना है ठीक है 48 को पाँच से भाग करके बताओ पाँच निमा 45। बचे तीन बटा पाँच नौ सही, तीन बटा पाँच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो दस बजे पहुंच जाएगा ठीक है मुझे लगता है समझ आ गया होगा हैं? आंसर पॉइंट में दिया है कि